हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एबी रॉक्स। यहाँ पर सीरिया लीग का मैच हो रहा है एम्पोली वर्सेस बोलोग्ना के बीच 1:15 बजे। एंड बात करें, ये मेरा टेलीग्राम चैनल लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, जाओ फटाफट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर करो क्लिक एंड ज्वाइन हो जाओ। और गाइस, हम इस वीडियो के अंदर किसी भी तरह की चीज़ को प्रोत्साहित नहीं कर रहे, वीडियो बहुत ही ज़्यादा सेफ और नॉलेजेबल है। सो बढ़ते हैं आगे एंड बात करें अगर हम इस मैच की, देन एम्पोली और बोलोग्ना में मैं फेवर करूँगा बोलोग्ना को। एंड बोलोग्ना टीम इज़ सच अ ग्रेट टीम, रैंकिंग में अंदर 4th नंबर पर है ये इस बार इटालियन सीरिया लीग में। बोलोग्ना टीम भाई बहुत हैरानगी की बात है, ये टीम इतनी बेकार हुआ करती थी और आज ये टीम 4th नंबर पे रैंक कर रही है, मतलब टॉप 5 में। और एम्पोली टीम टॉप 15 से भी बाहर है, 17वें नंबर पे। अब आप लगा लो कि ये एक सिंगल साइडेड मैच है, सिंगल साइडेड मतलब ये लगा लो इस मैच के अंदर आप बोलोग्ना का किसी भी स्ट्राइकर या किसी भी मिडफील्डर को कैप्टन रख दोगे ना, तो आपकी जीतने की उम्मीद 90% होगी, क्योंकि इतना ईजी मैच है। तो आपको आगे लेके चलते हैं सीधा। तो सबसे पहले देखो स्ट्राइकिंग की बात करें, स्ट्राइकिंग सेक्शन के अंदर जिर्स्की करके एक प्लेयर है और मेरे को बहुत बढ़िया लगता है। मतलब अगर देखा जाए, अगर आज ये टीम यहाँ पर है तो इसमें इसका बहुत कंट्रीब्यूशन है, मतलब असल कंट्रीब्यूशन मैं ऑर्सोलिनी का कहूँगा। कई लोग बोलेंगे ये तो बेकार प्लेयर है, लेकिन भाई ये बंदे का ना मतलब टीम में होना बहुत बड़ी बात है। ऑर्सोलिनी इज़ अ ग्रेटेस्ट स्ट्राइकर। अगर आप अभी भी इनमें कंपेयर करते हो, पहले तो देखो कंपेरिजन बनता नहीं है, वो एक टीम के, अगर अगर आप फिर भी कंपेयर करते हो तो भी ऑर्सोलिनी इज़ मच बेटर देन जिर्स्की, मैं अभी भी यही कहूँगा और मैं दोनों को लूँगा। ऑपोजिशन टीम की बात करें, कैप्यूटो को रख रख के थक चुका हूँ और अब कैम्बियागी मेरी लास्ट उम्मीद है, क्योंकि आपको पता है एम्पोली टीम हर सीज़न नीचे रहती है और इन पे ट्रस्ट तो है ही नहीं ना, छोड़ दो, मैं तो कहता हूँ भरोसा करना ही एम्पोली पे छोड़ दो। तो मैं जस्ट एक नॉर्मल प्लेयर के तौर पे इसे ले रहा हूँ। और मिडफील्डिंग की बात करें, फर्ग्यूसन सब लोग बंदे इसे कैप्टन रखेंगे, साफ बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे सबका पता है, क्योंकि सबको ना पहले तो ये 500 से ऊपर पॉइंट दिख रहे हैं, दूसरे बात फर्ग्यूसन का इस साल गेम प्ले बहुत अच्छा रहा है, बहुत अच्छा रहा है। मतलब फर्ग्यूसन ने इस साल प्रदर्शन तो दिखाए हैं अपने अच्छे अच्छे गेम प्ले में, मतलब मेरे को दिखा है। और बात करें इनके अनदर मिडफील्डर की, तो अगर आपने फैबियन को लेना है या आपने फ्रूलर को लेना है तो आप यहाँ पर जा सकते हैं, बिकॉज फ्रूलर इज़ बेटर। फैबियन गोल तो कर देता है बट कभी कभी, और बाकी जो इनके प्लेयर हैं, मुझे देखो इनका सबसे बढ़िया प्लेयर लगता है ऑडगार्ड। अब जे ऑडगार्ड खेलेगा तो मैं ट्राई करूँगा अगर ऑडगार्ड खेला, क्योंकि ऑडगार्ड आपको पता है कहाँ से आया है, नीदरलैंड की टॉप टीम एल्कमर से, और वो टीम से यहाँ पर आना बहुत बड़ी बात है। आप नीदरलैंड की एक टीम छोड़ते हो और इटालियन लीग की लीग ज्वाइन करते हो और उसमें भी टॉप 5 टीम में एंट्री लेते हो, तो इसमें ऑडगार्ड का बहुत बड़ा रोल रह सकता है। मतलब आप ये लगा लो किसी को भी ऑडगार्ड के बारे में ज़्यादा नहीं पता होगा, सब लोग ऊपर ऊपर से बस ये देख रहे होंगे या तो मैं फैबियन ले लूँ या मैं फ्रूलर ले लूँ या मैं डिफेंडर ले लूँ, लेकिन आप चुपचाप से ऑडगार्ड सेव कर लो, खेलेगा तो आपकी चांदी हो जाएगी। बात करें आगे, तो यहाँ पे लूँगा एम कैंसिलेरी को, मेन है भाई, और वाई मल्ले को भी लेना पड़ेगा, खेलेगा तो 100% लेना पड़ेगा। और डिफेंडिंग की अगर बात करें देन यहाँ पर आर कैला फ्योरी अगर खेलता है देन डेफिनेटली वी गो विद देम, नहीं खेलेगा तो आपको पता ही है, फिर मेरे पास तो सैम भी क्यूमा है, पॉस्ट ले रखा है तो निकाल दो दोस्तों, ही वॉज सस्पेंडेड, वो नहीं खेल रहा अभी इन दिनों। सो क्रिस्टियानसन अगर खेलेगा उसकी जगह पर तो खुशी होगी, क्योंकि पॉस्ट तो खेल नहीं रहा। उसके बाद लुशुमी को लूँगा, क्योंकि सिल्वेस्त्री का भी श्योर नहीं है। एंड बात करें गोल कीपिंग की, तो 2 प्लेयर के ऑप्शन है, एक बैरिशा एंड एक कैपरेल। बैरिशा वॉज नॉट प्लेइंग फ्रॉम लास्ट 2-3 मैचेस, इसलिए कैपरेल को ले लो। एंड बात करें कैप्टन की, कैप्टन है देखो मेरा जिर्स्की, वाइस कैप्टन ऑर्सोलिनी। कई लोग बोलेंगे तूने फर्ग्यूसन रखा नहीं तो हम रख लें, तो वहाँ आप लोग रख सकते हो, बिकॉज वो सेफ कॉम्बिनेशन है, मैं रिस्क ले रहा हूँ। ठीक है, तो ये मेरी टीम में, मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, बाय।